नगर निगम सीतामढ़ी से उपमेयर पद के उम्मीदवार आशुतोष कुमार पेशे से शिक्षक हैं। देखा जाए तो समाज में भी शिक्षित लोगों की ही जरूरत है। हमारे संवाददाता शिवशंकर कुमार यादव को क्या कुछ कहा उन्होंने, इसे देखें एक खास रिपोर्ट में। आप देखना कर चुके हैं कानूनी जगदूत, मैं शिवशंकर यादव। आज हमारे साथ रूबरू है उपमेयर पद के प्रत्याशी आशुतोष कुमार, जो उपमेयर पद का प्रत्याशी है। सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में उपमेयर का प्रत्याशी। मेरा कुल परिचय प्रारंभिक तो यही है, मैं अपने बारे में बताऊं। पटना में सिविल सर्विसेज की एक संस्था है प्रॉपर सिविल, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, मेरी संस्था है, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ और सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में ही मैंने अपना योगदान दिया। अभी सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में जो यह निर्वाचन होने जा रहा है, इसमें सब मैं उपमेयर का प्रत्याशी। तो आप पहले पटना में पढ़ाई करते थे? मैं पढ़ाई दिल्ली से किया। अच्छा, शिक्षा दीक्षा में दिल्ली से भी सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी कर रहा था, वहाँ मैंने इंटरव्यू भी दिया सिविल सर्विसेज में, और दुर्भाग्यवश नहीं हुआ तो 14 मार्च 2016 को मैंने सिविल सर्विसेज के क्षेत्र के लिए अपनी संस्था डाली जिसका नाम वापस हो रहा। अच्छा, विगत इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा था, लेकिन सब जगह आप पढ़ रहे हैं, आप सब बेहतर बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आप अपना ही घर छूट जाए तो बड़ा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो सीतामढ़ी से तो एक लगाव था, मेरी जन्मभूमि है, एक लगाव तो था ही। अभी जब नगर निगम का चुनाव की बात हुई तो आपसी जितने भी लोग हमारे मित्रगण में भी संबंधित थे, सब लोगों ने कहा कि आप वहाँ है तो अपने यहाँ भी तो ध्यान दीजिए। तो सर, इसलिए मैं यहाँ डिप्टी मेयर का मैं चुनाव। अब चुनाव लड़, बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मैं कोई विशिष्ट नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या कोई ऐसी चीजें हैं। मेरा मानना है कि आप जब भी आप अपने जिला में प्रवेश करते हैं, लगमा से इधर आते हैं, तो जो होना चाहिए, जो एक फीलिंग आनी चाहिए सीता जन्मभूमि का, सीतामढ़ी का, या आप नगर निगम के क्षेत्र में आए हैं, एक बेहतरी की फीलिंग होनी चाहिए। दुर्भाग्य से अपने यहाँ उसका अभाव है। तो मुझे लगा कि जो जितनी शिक्षा हमने अर्जित की, जितनी अन्य चीजें हमने किया, तो क्या उसके लिए हमारा सीतापुरी नहीं है? तो शैक्षणिक चीजों में तो था ही, राजनीतिक चीजों में मैंने जुड़ने की कोशिश किया। कोशिश इसमें हो कि मैं आऊँ सीतामढ़ी में और यहाँ की जितनी समस्याएं हैं, जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, उसके निराकरण के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करो। ये सिर्फ शैक्षणिक चीजों से नहीं हो सकता है, इसीलिए राजनीतिक चीजें बड़ी आवश्यक है। सर, इसलिए मैं यहाँ आया। मेरा कहना है कि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान पे, सब लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो वादा करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद अक्सर लोग उस जगह को भूल जाना हैं। जाम के समस्या से मुक्त कराने के लिए आपका क्या ठोस कारगर उपाय होगा, बताइए। बड़ा शानदार प्रश्न है, मैं तो ढूंढ ही रहा था किस तरह की सवाल आप करेंगे। और सीतामढ़ी अगर आप कहीं बाहर जाइए, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ लखनऊ का, चूंकि मैं देखा हूँ लखनऊ को, तो आप वहाँ जाइए तो आप देखिएगा कि जितने शहर के मार्केट है उसके बगल में बहुमंजिली इमारतें हैं जो पार्किंग के लिए बनाई गई है, कि आप अपनी गाड़ी को नगर निगम के तरफ से वहाँ बनाया गया, आप अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए वहाँ। तो आप समझिए, जब भी गाड़ी पार्क हो गया तो स्वाभाविक रूप से सड़कें जो है वो खाली रहेंगी। नहीं तो यहाँ तो पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं, तो इसीलिए तो नगर निगम क्षेत्र पहली बार बना है ना, डेवलपमेंट तो अधिक संभावनाएं हैं यहाँ। तो अभी इससे पूर्व क्या हुआ, इस पर चर्चा करने से बेहतर है कि आने वाले समय में क्या क्या कार्य किया जा सकता है, तो हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तो बहुमंजिली इमारतें बना दीजिए पार्किंग के लिए, दूसरा आप देखते हैं कि सीतामढ़ी में जितने हैं सब एक ही जगह उलझे पड़े हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी, तो आप इसका डेवलपमेंट करिए, शहर का विकास कर दीजिए, दुकान का अलग, एक अलग शॉपिंग मॉल कर दीजिए, एक अन्य चीजों को अलग अलग कर दीजिए, तो आपकी आबादी अपने तरीके से वहां विभाजित हो जाएगी। दूसरा पर ये रहा आवागमन का जो परिवहन तंत्र है, ठीक है, उस पर ध्यान कर देने की आवश्यकता है, एक वो है। तीसरा जो आप कहते हैं, तो सड़कों पे गड्ढे हैं, गली है, सड़कड़ी है, सब चीजों पे बेहतर बेहतर से काम करने की आवश्यकता है। अगर हम इन सब चीजों पे काम करें, स्वतः निजात मिलेगी जाम से, बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। अच्छा, जब सही मन से काम किया जाए, मतलब कोई बड़ी समस्या नहीं है। सीतामढ़ी में जहाँ तक हॉस्पिटल की समस्या है, सीतामढ़ी में सदर हॉस्पिटल भी है जिसमें डॉक्टर 76 होना चाहिए, लेकिन अभी उतनी प्रतिनियुक्ति नहीं है, जिससे बहुत सारा लोग हैं जो इलाज के अभाव में
बाहर जाना पड़ता है, अपना दम तोड़ देना चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या विकास करेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आप कह रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो एक तो स्वास्थ्य जो है ये तो बिहार सरकार अपने तरीके से यहाँ स्थायी नियुक्ति करे, अधिकार बने जो डॉक्टर है उनकी नियुक्ति करे, लेकिन अगर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है तो सर उस पर बेहतर तरीके से, चूंकि स्वास्थ्य शिक्षा और परिवहन का विभाग ठीक है, नाला सफाई जो गंदगी से मुक्ति भी सीतामढ़ी को मिले, सीतामढ़ी क्या महत्वपूर्ण देश को मुक्ति मिले गंदगी से ठीक है, तो इन सब चीजों पे काम करने के, लेकिन एक जो नगर निगम के अधिकारियों की सीमा है ठीक है, मैं सीधे यह तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं आऊंगा मैं ये सब कर दूंगा, वो फिर रुफेबाजी हो जाएंगे, नहीं तो वादा तो अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश कर कर देखिएगा तो जरूर कामयाब होगा। मैं वही कह रहा हूँ, तो नगर निगम के नियमों के अंतर्गत जितने भी कार्य है अगर ईमानदारी से पालन करे तो मैं यह समझता हूँ।